तो भाई अभी एक केस हुआ है बहुत खतरनाक। एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, सॉरी ट्रैक कर रहा था, लास्ट में क्या हुआ है उसको बीपी हाई हुआ है। दिखाओ चल 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 मेरे पास है, बना लिया। क्या करेगा वीडियो मेरे से ले लियो ना, बना तो दे रहा हूँ अभी एक साइड में। चल चलो बड़े चलो दो आ गया मैं। तो क्या हुआ उसका बीपी हाई हुआ बंदे का और वो ऑन द स्पॉट दैट बंदा खत्म हो चुका। और ये देखो भाई पूरा बादल है नीचे और हम कितना ऊपर आ चुके हैं भाई। राम से हाँ बोले वो ध्यान है नीचे याद है। हाँ भाई चक्रू बोले जय बाबा की, जय शिव शंभू। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा तो आएगा। ऊपर साइड की टावर दिख जाए वहीं तक जाना है। बुग्गी बोले वो देखो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। वो टावर दिख रहा है ऊपर, सारे सिग्नल उधर ही हैं बाबा जी के। ये देखो भाई अब दिखेंगे वो ऐसे ऐसे जाते वहाँ बोले साफ तो। वो देखो भाई सामने छोटा सा टीम जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक का ट्रैक मेरा काफ़ी कठिन रहा था और कुछ घटना भी यहाँ पे घटी थी। एक गोले की यहाँ पर ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है, बीपी हाई होने के कारण वो पत्थर पे सर के बल गिरा था तो उसके चोट लगी और वो ऑन द स्पॉट। और ये देखिए अभी हमें जाना है, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा और वो टावर जो दिख रहा है वहाँ जाना है हमें। ये अभी अपना ट्रैक है, ऐसे ही घूम करके पूरा ये देख रहे हो ना, यहाँ से घूम के पूरा और ये लेफ्ट राइट ऐसा सिकज़ैक करते हुए अपन लोग वहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर उसके ऊपर जा करके नीचे डाउन होना है हमें खाई में और फिर हाँ कहीं मिलेंगे हमें हमारे नीलकंठ महादेव। और पर्वत की ऊँचाई देख रहे हो और सामने जो वाइट है पूरा वो बादल है। हमारा अब तक का सबसे हाइट वाला ट्रैकिंग था कि हम वहाँ से आए बिल्कुल उस पहाड़ के पीछे से ऐसे पूरा घूम करके और अभी धीरे धीरे करके ऐसे करके वहाँ से घूम के इधर से ऊपर आ रहे हैं। अभी जाना है इसके ऊपर और अभी रिक्शा कम नहीं है। देखो एजेड लोग भी आते हैं और यंग लोग और ये नीचे देख रहे हो ना वाइट पूरा बादल है, बिल्कुल बहुत ऊंचाई है अब और मौसम उतना ही ख़राब हो चुका है, बारिश तेज हो चुकी है, शायद मेरे हाथों पे वो बूंद दिख जाए। बारिश तेज है
नहीं देखो भाई और नंबर दिया था मेरा कुछ इस तरीके के रास्ते हैं खतरनाक। देख रहे हो व्हाइट कलर का एक मंदिर है वहाँ हम आज तक नहीं गए। हवाएं चलने लगी बहुत तेज और ये ऐसे ही छोटी छोटी दुकानें मिलती रहती हैं क्योंकि आप अरे मेरा साथी वीडियो के चक्कर में उसको पीछे छोड़ दिया मैंने, उसका थोड़ा सा हो गया है और वो थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए स्लो चल रहा है तो वो सेफ्टी में आपको बता नहीं सकता कि क्या सेफ्टी है उसकी, क्योंकि रास्ता भी पूरा समथिंग 250 किलोमीटर का है जो कि कैसा लग रहा है इतना पास आने के बाद? बहुत खुश हो रहा हूँ बहुत। और बारिश देखने के बाद? बारिश तो देख के देखना गा। बस नीलकंठ महादेव के दर्शन को पाने के लिए 3.5 से 4 घंटे का ये ट्रैक है हमारा जो कंप्लीट करने में लगते हैं और इस बार तो थोड़ा और जल्दी हो गया क्योंकि धूप थी नहीं, ऋषिकेश से ही पूरा बारिश मिला है समथिंग 16-17 किलोमीटर का ये ट्रैक होता ही है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म भी मुझे पता नहीं है कि इतना किलोमीटर का है। पूरा पहाड़ क्यों, एक पहाड़ चढ़े थे हम, अभी एक पहाड़ उतर रहे हैं। पूरा खाई में है महादेव जी का मंदिर, बाबा दया करो बस। फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म और ये प्रवेश द्वार है, लिखा हुआ है श्री नीलकंठ मंदिर मार्ग 27/12/1972 से 6/1/1998। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये द्वार है और बहुत ही मुश्किल भरी चढ़ाई को पार करते हुए अभी यहाँ आ चुके हैं। हर हर महादेव। 3-4 घंटे ऐसे भीगना नहीं हुआ बारिश में, नाम का रेनकोट है इससे हैवी और मार्केट में पॉली बैग आती है जिसमें अपन आलू लेके आते हैं तो उससे भी हल्का है, इसको रेनकोट नहीं कह सकते। और बहुत ही टफ चढ़ाई है, ये देखो मेरे भाई और कैमरे पे आ गया है पानी, चलता रहे ना, उतर नहीं पाएंगे भाई। तू उतर जाएगा ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू मेरे शोल्डर पे हाथ रख। हाँ टेंशन ना ले, और ये देखो भाई नज़ारे, चारों तरफ पहाड़, एक पहाड़ चढ़ के आए और अभी खाई में नीचे उतर रहे हैं बिल्कुल। वो देख रहे हो ना, वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, क्योंकि इसमें अभी दिख नहीं रहा, दिखा देंगे आगे चल के। तो मिलते हैं डायरेक्ट मंदिर पे। जय नीलकंठ महाराज। 19 से ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, भीड़ कम थी। यही हमारे नीलकंठ महादेव, सिर्फ और सिर्फ इनके दर्शन करने के लिए हम लोग काफ़ी पैदल चढ़े और 4 से 5 घंटे हो चुके हैं हमको बारिश में भीगते भीगते। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ सारा कुछ। नीलकंठ महादेव नीचे भी एक झरना है, झरने में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद शरीर का पूरा दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। हो गए दर्शन, हो गए। हाँ भाई, जय माता, जय शिव शंभू, मेहनत काम आ गई।
हाँ भाई दर्शन बढ़िया हुए, मन्नू बोले बढ़िया दर्शन हुए ना, और बंदे कहे तो अभी तक के सबसे अच्छे दर्शन हुए। पहली बार 11वीं साल थी, इससे अच्छे दर्शन कभी हुए हैं। ये देखो एक सामने है एक है, बहुत ठंडा पानी है, उस बात में कोई शक नहीं है कि ठंडा पानी नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। सही सही बताइए भाई, इतनी बार से आ रहा है, इतना खाली कभी मिला है? कभी नहीं मिला ना। हाँ इतनी बार तो पिछले साल आया था, इतना खाली मिला था? नहीं यार, तुम बाइक वाले थे, तू बता, तूने इतनी मेहनत करी और चढ़ा ऊपर, दर्शन किए तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना, बस अपने अपने ओपिनियन देते रहो।